साथियों को इनकलाबी लाल सलाम जय भीम। साथियों, आज जो देश में महंगाई, हम शिक्षा स्वास्थ्य का जो हालात है बद से बदतर हो चुकी है। आज हम छात्र नौजवानों को सड़कों पे उतरने की जरूरत है, अगर नहीं उतरे तो सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। आज हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय को ही देख लीजिए, क्या स्थिति बन चुकी है, क्या आज पढ़ने का माहौल विश्वविद्यालय में है। आज 5 साल से स्थायी कुलपति नहीं है भागलपुर विश्वविद्यालय में। आज एक सिग्नेचर के लिए 5,000 से 10,000 के आसपास स्टूडेंट का मूल प्रमाण पत्र रखा हुआ है, उस पे सिग्नेचर नहीं हो रहा है। जरूरत वाली चीज विश्वविद्यालय हम छात्र नौजवानों को नहीं दे रही है। आज देश में नई शिक्षा नीति लाई जा रही है जो आम तबके के गरीब निम्न वर्ग के छात्रों को पढ़ने से वंचित करने की जो साजिश चली जा रही है नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी लाके, हमें उसे ढकेलने के लिए हम छात्र नौजवानों को सड़कों पे आना होगा, नहीं तो सारा चीज बर्बाद हो जाएगा, तब आके क्या करेंगे हम छात्र नौजवान। आज रेलवे का जो तृतीय चतुर्थ कर्मचारी का जो बहाली निकलती थी, जो सीट था 72,000, उसको समाप्त कर दिया गया। आज पूरे देश भर में 62,000 स्कूल सरकारी बंद कर दी गई है, ये पूरे देश भर में चल रही है। तो हम छात्र नौजवानों को सड़क पर उतरना होगा। हम लोग पिछले 2017 में प्रणब जी शुरुआत रेलवे आंदोलन को किए थे, हम लोग रेलवे चक्का जाम को जो किए, पूरे देश भर में इसका अंगाज हुआ और सरकार को झुकनी पड़ी और रेलवे की बहाली लगभग 2-3 लाख दिए, वो भी एक लॉलीपॉप दिए, जिसकी बहाली आज तक एग्जाम अभी चल ही रहा है, अभी तक ले किसी का ज्वाइनिंग नहीं किया। अभी देख रहे हैं आर्मी की बहाली 3 साल से बंद है, बहुत छात्र दौड़ में निकल गए हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका एग्जाम लेकर उनकी बहाली नहीं कर पा रहे हैं। आज हाल फिलहाल में आपका बीपीएससी का एग्जाम जो देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटर को मैनेज किया जा रहा है। एक तो 4 साल के बाद एग्जाम लेते हैं, बहाली पहले निकालते हैं, इसके बाद एग्जाम लेते हैं, इसके बाद जब छात्र को एग्जाम देने जाते हैं, घर लौटते समय पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। ये दुर्भाग्य हमारे छात्र नौजवान युवाओं के साथ हो रहा है। तो हम छात्र नौजवानों को सड़क पे उतरना होगा, नहीं उतरेंगे तो सारा चीज बर्बाद है और इसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम छात्र नौजवानों को मजबूती के साथ सड़क पे उतरना होगा, नहीं तो सब चीज बर्बाद हो जाएगा। हम छात्र नौजवान जेल कर दो या मुकदमा कर दो, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा 3-4 कर दिए, लेकिन हम लड़ रहे हैं। सभी छात्र लड़े, जेल भी डाले तब भी हम डरे नहीं। हम छात्र नौजवानों को लड़ना होगा, आगे आना होगा। इस धन्यवाद सभी।